आपके साथ है नेहा मल्होत्रा फूड गुरु से, आपकी शेफ नेहा मल्होत्रा। आपके साथ मैंने कुछ मेरी रेसिपी शेयर की थी, आपने देखी, आपने फॉलो किया, मैंने देखा आपने शेयर की, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, आपको कुकिंग टिप्स दूंगी, आप अगर कुछ कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसके आंसर दूंगी, आपको नई नई रेसिपी और जो भी है सिंपल सिंपल सब बताऊंगी। तो आप ये वीडियो का मैं एक साइड में रखते हुए आपको कुछ मेरे बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। मैं मल्होत्रा कैटरर्स चलाती हूँ, मल्होत्रा कैटरर्स की सीईओ हूँ। यह हमारा बिजनेस इंडिया मुंबई में है, हमारी मल्होत्रा कैटरर्स करके एक वेबसाइट है जिसे आप देख सकते हो www.malhotracaterers। यह बिजनेस जब मैंने शुरू किया था आज से कुछ 14-15 साल, बहुत मतलब एक शौक था, मेरा पैशन था। मेरी मदर बहुत अच्छी कुक थी, बस तभी बच्चे पढ़ते थे तो मैंने मेरी मदर के साथ मिलके, वो काफ़ी मुझे हेल्प करती थी, वो मेरे साथ खड़ी रहती थी और बस ऐसे करो वैसे करो, तो मेरे अंदर भी शौक था, पैशन था। तो मैंने कुछ हमारी स्पेशल डिशेस सीखी और फिर इसी तरह करते करते एक बंदे के लिए भी उस समय देती थी, 2 बंदे 5 बंदे 10 बंदों ने बोला तो भी हम दे देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे चलता था, कभी 10 बंदों का है, कभी कभी एक एक दो दो महीना कुछ आता नहीं था, तो हम लोग इस तरह से मिलके करते थे, लोग पसंद करते थे। जैसे अभी किसी के यहाँ छोटा सा फंक्शन हो, बोलते थे कहाँ से आपके यहाँ कहाँ से खाना आया, तो आप हमें नंबर दो, फिर वो हमारे पास से मंगाते थे। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया। आप तो जानते हो कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस है, उसे टाइम लगता है सेटल होने में। हम लोग एक साथ 10 सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकते, बस स्टेप बाय स्टेप ही हमें सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो इसी तरह से हमारा भी हुआ धीरे धीरे। मेरा बड़ा बेटा काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होने लग गया, मुझे काफ़ी हेल्प करता था इनफैक्ट कुकिंग में। उस समय इतना बड़ा नहीं था कि हम कोई स्टाफ ज़्यादा रखे, बस मैं, मेरी मदर, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड आते थे, छुट्टी होती थी, वो हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोग लाइक करने लगे। इसमें समय लगा, इसमें हमें उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा ये मेरा पैशन है और मैं करूँगी। और मैं एक से एक अपने हिसाब से मेरी मदर से की, फिर मैं एक से एक और डिशेस बनाने लगी। जब मेरी मदर टेस्ट करती थी, जब चने मैंने पहली बार उनके साथ बनाए, पंजाबी छोले जो हमारी स्पेशल सिग्नेचर डिश है, तो काफ़ी देर लगी बनाने को। उसके बाद मैं बनाती गई, उसमें बहुत वेरिएशन किए। फिर जब मेरी मदर खाती थी बोलती थी तू तो बहुत टेस्टी बनाने लगी, मेरे से आगे निकल गई, इतना टेस्टी। तो मैंने कहा ऐसा क्या, ऐसे नहीं होता है, तो बोलती थी नहीं सच में तेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जादू आ गया। तो बस जो भी खाता था, छोले बहुत टेस्टी है, छोले सबको बहुत पसंद आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने अलग अलग वैरायटी, छोले में भी मेरे पास काफ़ी वैरायटी है, मैं 9-10 तरह के आपको छोले में वैरायटी बता सकती हूँ। और ऐसी तरह मैंने कई नई डिशेस सीखी। फिर मेरे बेटे ने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई www.malhotracaterers, धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगे। शुरुआत में तो थोड़ा सा रिस्पांस कम आता था, फिर धीरे 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 ने फ़ोन किया दूसरे ने, दूसरे का खाना अच्छा हुआ उसके यहाँ जिसने विजिट किया, तो इस तरह से थोड़ा। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बिजनेस में, उनका भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहता है, वो भी बाहर जो भी होता है ऑर्डर पे वो हमेशा होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मैं बनाऊँ, सबको पसंद है, सब खुश होए, खा के सेटिस्फाइड है, उनके स्माइलिंग फेस देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे खाने में ना यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं बनाऊँ हेल्दी हो, मेरा 100% होममेड होता है, हेल्दी हो, हाइजीनिक हो और टेस्टी भी हो, उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होते हैं, ना कोई आर्टिफिशियल कलर होता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एकदम बेस्ट दूँ अपना, इसमें कभी कोई कमी हो तो मैं कहती हूँ कि आप बताओ मुझे, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बताओ कि इसमें थोड़ा ये होता तो अच्छा होता, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले। तो जैसे अभी 50 लोग का 25 लोग का खाना जाता है, कुछ फंक्शन है, हाउस वार्मिंग बर्थडे, फिर दूसरे दिन वो मैसेज करते बताते हैं मैडम खाना बहुत टेस्टी था, सबने करी थी कि हम जो भी काम करते हैं, मैंने ये बात तो नोटिस की है कि हम, मुझे ऐसा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि तू कुछ और जॉब कर सकती, टीचिंग इसमें तो बहुत हार्ड वर्क है, इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फूड प्रॉपर। मैं कहती थी नहीं कोई बात नहीं, मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी और ज़रूर लोगों तक वो पसंद आएगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो बस मैं लगी रही, कभी कभी इसमें थोड़ा सा अप डाउन भी होता था, लेकिन कभी निराश नहीं हुई।
हमेशा मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज ही नहीं आते, कभी कोई नेगेटिव भी बोल देता है, पर वही जो हमें नेगेटिव या हमें कुछ कहता है उसी वही हमारे पास आके कहता है कि सॉरी आपको हमने कहा, लेकिन आपका खाना तो बहुत बढ़िया है, आपके हाथ में बहुत टेस्ट है। अभी कुछ हमारे कस्टमर है जैसे खाना हमसे लेते थे 2 साल के लिए, बाहर शिफ्ट हो गए हैं या फिर कहीं उनकी बदली हो गई है अब्रॉड में, तो आने के बाद जब वो हमारे पास फ़ोन करते हैं तो मुझे यही पूछते हैं कि क्या आपका अब तक कैटरिंग का कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल, आपने मेरी वेबसाइट देखी नहीं, तो बोलते नहीं बस हम रिसेंटली आए, पहले हमने सोचा आपसे बात करें, तो बोलते कि आप ही करती हो मैडम, मैं बोली ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ, तो बोलते फिर तो हमें आपके हाथ का वही स्वाद मिलेगा, मैं कहती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ही करती हूँ, मेरे अंडर स्टाफ है जो मेरे साथ कटिंग चॉपिंग आटा गूंदना सब, लेकिन जो मेन प्रिपरेशन है मार्केटिंग से लेके आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी और हेल्दी फूड। तो बस फिर वो कहते फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस फ़ोन पे ही बता देते भाई ये ऑर्डर है। तो इस तरह से बहुत मन को अच्छा लगता है कि लोग मतलब इतना बाहर जाके 2-3 साल के गैप के बाद 5 साल के भी हमें याद रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उन्हें अच्छा बेस्ट दिया है, हमने अपनी कोशिश की है उन तक अच्छा खाना पहुँचाने की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, आप जिस तरह से मुझे मल्होत्रा कैटरर्स में जिस तरह से आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, फॉलो किया है, मैं इसके लिए मेरे बड़े बेटे को भी थैंक यू बोलूँ जो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करता है, बहुत अच्छी वेबसाइट करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है और बहुत दिल से काम करता है। कई बार हमारे पास स्टाफ भी बहुत कम होता है तो उस समय मेरा बेटा बड़ा चला जाता है, कभी छोटा फ्री होता है वो चले जाते हैं पापा के साथ, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा सक्सेसफुल ऑर्डर हो, हम ये नहीं देखते, ये हमारे घर की टीम वर्क होता है, 90% तो हमारा अपना ही होता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हमें यहाँ पर प्यार दिया है, हमने आपने हमें फॉलो किया है, आपने हमारे सब लाइक किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरा फूड इतना पसंद करते हो। तो आगे जो मेरा चैनल स्टार्ट किया है तो बस यही मेरी कोशिश रहेगी कि आप उसे भी देखिए, फॉलो कीजिए, उसमें भी मैं आपको बेस्ट मेरी जो भी है हेल्दी हाइजीनिक रेसिपी बताऊंगी। आगे मैं उसमें कुछ चटनियों की रेसिपी बताऊंगी, जैसे कि आप जानते हो कि अगर हमारे घर में 2-3 टाइप की चटनी बनी हो हेल्दी, जो कि कम से कम 8 से 10 दिन तक टिकने वाली चटनी जिसमें कुछ कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो आप फटाफट कभी भेल बनाना है, कभी कोई चाट बनाना है, अगर आपके पास चटनियाँ रेडी है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में कुछ चटनियों के टाइप्स बताऊंगी और कुछ और अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊंगी, तो आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू फूड गुरु से नेहा मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच।